अभी दुर्गा पूजा का समय है और कहीं ना कहीं हर जगह भारतवर्ष में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ मामला ऐसे निकल कर आया है जो दुर्गा जी पर ही कई तरह से सवाल खड़ा कर दिया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे तिरसर लाइव टीवी। इस भारत देश में कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से टिप्पणी करे तो हर किसी का व्यक्ति का जो है भावना आहत हो जाता है। अक्सर देखे होंगे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कोई भगवान लेकर कोई तरह से प्रतिक्रिया दे दिया तो उसका भावना आहत हो गया। देखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का भी कई तरह से फोटो जब फाड़ उड़ के लगा दिया जाता है तो बहुजन समाज को जो सो भावना आहत होता है, लेकिन उस तरह वो जो बहुजन समाज के लोग उस तरह एक्शन नहीं लेता है। लेकिन मनुवाद लोग को जब देखते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह काफ़ी एक्टिव रहता है और कोई भी तरह से बहुजन समाज के लोग कुछ तरह भी अगर कमेंट कर दिया गया तो वो जो सो डायरेक्ट थाना चला जाता है और उस बहुजन समाज पर वो केस करने का भी काम करता है, जो अक्सर भावना आहत होता है। अभी जो मामला है दुर्गा जी, जो दुर्गा पूजा भी आने वाला है, अभी दो चार दिन के बाद मनाया जाएगा, लेकिन अभी हम उस सब का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कुछ भी। लेकिन अभी जो मामला है वो झारखंड का मामला है। झारखंड में कहाँ है, हमारे साथ अंत तक बने रहे और पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया मजबूत जरूर करें। और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी किसी भी भगवान के बारे में टिक्का टिप्पणी ना करें, चूँकि क्या है कि थोड़ा सतर्क रहे और सतर्क रहकर जो सो अपने बहुजन समाज के जो बहुजन मिशन है उसको बढ़ाएं, वो बेहतर होगा। चलिए मामला जो है क्या है अभी हम पढ़ के बताएंगे और लास्ट में एड्रेस बताएंगे कि कौन सा पेपर में और कहाँ का मैटर है। सो पूर्ण रूप से मैटर ये है, आदिम जनजातीय पूर्व मुखिया बोले पूजा पाठ और मूर्ति पूजा में हमारा विश्वास नहीं है। जैसे मामला ये है एसटी जो है अभी दुर्गा का पूजा का जो समय है उसमें देखे होंगे कि महिषासुर को जो है तलवार से घोपते हुए दुर्गा जी का, लेकिन जो अगर मूल निवासी लोग देखते हैं तो जो महिषासुर का जो किया गया है वध वो जो है सो सूत्रों से और जितने भी बहुजन समाज के लोग अगर कहते हैं अक्सर को जो दुर्गा जी जो उस पर जो हमला किया हुआ है वो जो है सो एसटी है, मूल निवासी है और उस पर जो हमला किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर दुर्गा जी पे अगर कोई तरह से कोई टिप्पणी करता है तो उसमें भी किसी ना किसी का आहत होता है और भावना आहत होता है। और यदि दुर्गा जी का अगर वो दिखाया हुआ है सीन महिषासुर को हमला करते हुए तो बहुजन समाज के भी भावना का आहत होता है, इसलिए सभी जो सतर्क रह के करें और जो उस तरह जो दर्शाया गया है वो बहुजन समाज के हाथों में है क्या, वो उस तरह का जो दर्शाया गया है उससे बहुजन समाज के भावना का हाथ होता है कि नहीं और वो क्या स्टेप लेते हैं। मामला है भावनाथपुर थाना के कैलान गांव के झुरी टोला में दुर्गा पूजा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा किए जाने का विरोध करने की सूचना मिला है। बताया गया है कि उक्त पंचायत के पूर्व मुखिया द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किए जाने के बाद आयोजक रोक दिया गया है, जबकि प्रतिमा का करीब आधा निर्माण कर लिया गया है। इस मुद्दे पर गांव के अन्य लोगों में आक्रोश से इस संबंध में पूर्व मुखिया राशि ने कहना है कि पूजा का विरोध नहीं किया गया। जैसे मामला ये है कि और हम थोड़ा डिटेल बताते हैं, हम मूल निवासी हैं इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका कहना, जो पूर्व मुखिया है उसका कहना है। बाद में 28 सितंबर को विद्यालय परिसर में ही जो विरोध नहीं किया गया है, बैठक में वह गए थे, उन्होंने यह कहा था कि शिक्षा जरूरी है, वे लोग आदिम जनजाति के हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे तभी विकास करेंगे, किसी मूर्ति पूजा के आगे माथा टेकना जरूरी नहीं है। ये जो है वहाँ का जो पूर्व मुखिया जो है उन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा है जो उसमें हम लोग का विश्वास नहीं है, हम लोग जो सो मूल निवासी के लोग हैं और हम लोग जो से अधिक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और विकास पे भरोसा करते हैं, चूँकि पढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, इस जो सो मूर्ति के आगे माथा टेकने से कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह उसने वहाँ प्रस्ताव डाला हुआ था। अब हुआ क्या है, टोला में 22 सितंबर को झुरी मवी के प्रांगण में ग्रामीणों की बैठक की गई, इसमें पूजा कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सिंह खरवार, सचिव राम प्रयाग, करवा सिंह, ये सब उपस्थित थे।
अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आया है, हम मूलवासी है इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या है, बाद में 28 सितंबर को विद्यालय परिषद में ही हुई बैठक में पूर्व मुखिया ने कहा गया कि वे लोग झारखंड के मूल निवासी हैं, उन लोगों का पूजा पाठ और मूर्ति में विश्वास नहीं है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग झारखंड के वासी हैं और झारखंड के लोग जो मूल निवासी है, मूर्ति पूजा पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, यह हम लोगों का काम नहीं है, इसलिए दुर्गा पूजा के प्रतिमा का निर्माण बंद कर दिया गया है, कर दिया जाए। इसके बाद प्रतिमा निर्माण रोक दिया गया है। इसके बाद गांव में अन्य लोगों में आक्रोश दिख रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इनके टोला में वर्ष 2016 से ही प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जा रही है। आज इस तरह का चर्चा एक साजिश के तहत करके पूजा करने से रोका जा रहा है। कहने का मतलब यही है, जो पूर्व मुखिया ने जो स्टेप लिया है कि जो हम लोग यहाँ का मूल निवासी होने के बावजूद भी हम लोग का अलग है सारा चीज़ संस्कृति, फिर भी जो सो एसटी समाज के लोग उसमें जो सो अक्सर उसमें जो सो होता है धर्म के नाम पे धर्म में डुबाने का तो काम किया जा रहा है। उसको कहना है कि हम लोग को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जब ये सब जब सभी को समाज को मिलेगा तब हमारा देश विकास होगा, ना कि मूर्ति पूजा करके उसमें हर तरह से जो है सो विकास होगा समाज। तो उसका कहना का यही था वो जो पूर्व मुखिया। अब आप लोग पे डिपेंड है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि उसको जो वो पूर्व मुखिया जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमने जो सो हम लोग मूल निवासी है और पूजा पाठ नहीं करते हैं, दुर्गा पूजा को हम लोग नहीं मनाते हैं, दुर्गा जी को तो इस गांव में नहीं पूजा किया जाना चाहिए, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है सही किया है या गलत, इसका भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। और आप अगर दुर्गा पूजा मना रहे हैं तो आप अपना भी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसके विषय हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, बाकी बात जितने भी है सभी धर्म जो सब एकता पे बंधे रहें, धर्म के नाम पे नहीं लड़े और हिंदू मुस्लिम ये सब सारा चीज़ ना करें, सब जो भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और सब एक दूसरे का प्रेम मनोभाव ये सब रखने का जो सो तथागत गौतम बुद्ध ने मार्ग दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वही संविधान के माध्यम में सभी को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। और किसी के धर्म के बारे में टिकरा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी बहुजन के समाज हैं, अभी जो पूर्व मुखिया ने जो इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, क्या सही दिया क्या गलत किया है, अपना भी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।